मेरे अति प्रियो, यीशु मसीह के नाम से मैं अभिवादन करता हूँ। क्या खुशी के साथ रहते हैं। यीशु मसीह के साथ चलने वाले हमेशा आनंद और खुशी के साथ रहना है, ना केवल आनंद के साथ रहना है। और प्रभु क्या कहता है, भजन 105 का 4 वचन में देखिए, यहोवा और उसकी सामर्थ को खोजो, उसके दर्शन के लगातार खोजी बने रहो। परमेश्वर यहाँ सलाह देता है, परमेश्वर को उसको सामर्थ के खोजी होना चाहिए। परमेश्वर सामर्थ्य है ना, उसके खोजने वाले भी इतना सामर्थ्य के साथ रहने के लिए परमेश्वर चाहता है। परमेश्वर का सामर्थ्य क्या है, पाप से छुड़ाने का सामर्थ्य है और शैतान के सारे बंधन से और क्लेश से मुसीबत से छुड़ाने का सामर्थ्य है। जो शैतान जो प्रतिदिन परीक्षाओं को लाता है उसमें से निकलने के लिए परमेश्वर हमें सामर्थ्य देता है। इस प्रकार सारे सामर्थ्य को प्रभु हमें देता है। इस सामर्थ्य का खोज आपको होना चाहिए। परमेश्वर इस सामर्थ्य को हमें देना चाहता है पवित्र आत्मा के द्वारा। ये सामर्थ्य सबको देता है करके बाइबल में हमें देखते हैं, प्रेरित 1:8 में हम देखते हैं और कहता है उसकी वरदानों को प्राप्त करना है। उसको प्राप्त करने के लिए हमें कोशिश करना है और परमेश्वर के सामर्थ्य को खोजी होना चाहिए। उसके सामर्थ्य को हमें प्राप्त करना चाहिए। छोटे छोटे बातों के लिए प्रतिदिन जो होती है उसमें डरना नहीं है, चिंता नहीं करना है और एक विजय का जीवन, एक सामर्थ्य का जीवन, डरना नहीं है। इसी बातों को परमेश्वर कहता, तू मुझसे मांगना है। परमेश्वर से सामर्थ्य के लिए हमें मांगना चाहिए। प्रतिदिन जो है हमें प्रार्थना करना है। मैं प्रतिदिन परमेश्वर के पास जाके, हे प्रभु आज के लिए तेरा सामर्थ्य मुझे जरूरत है, क्योंकि शैतान मेरे विरोध में जो जाल को बिछाया, परेशानियां है, परीक्षा है, ये सारी बातों से मुझे बचना है, तेरा सामर्थ्य का जरूरत है। प्रतिदिन प्रार्थना करके बाइबल को पढ़ के सामर्थ्य को आज प्राप्त करना है। क्या आज प्राप्त किए हैं आप? नहीं तो परमेश्वर से आज सामर्थ्य को प्राप्त करने के लिए आप प्रार्थना करना चाहिए। प्रतिदिन विजय का जीवन बिताने के लिए परमेश्वर आपको सामर्थ्य देंगे, तब जो है आप कभी भी परीक्षा से नहीं गिरेंगे, शैतान से नहीं पसेंगे। प्रतिदिन इस सामर्थ्य के लिए दुआ करना चाहिए। क्या आज परमेश्वर के सामर्थ्य के लिए हम दुआ करेंगे? पिताजी, जो आज बेटा ये बेटी प्रार्थना कर रहे हैं तेरे सामर्थ्य को, जरूरत को प्राप्त करने के लिए, सामर्थ्य के लिए विनती करते, इन प्रार्थना को तू सुनना है प्रभु। इन सबको सामर्थ से भरना है, विजय को देना है परमेश्वर। विजय के साथ तू अगुवाई करना है। यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ पिता, आमेन आमेन।